गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है? मेरे ना रात को मेरे बेटे ने स्टार्टर्स इतने खा लिए थे कि उसने जो डिनर बनाया था उसके लिए दाल चावल वो बिल्कुल टच नहीं किया। अब वो मैंने तो रख दी फ्रिज में, उन्हें वेस्ट तो हम कर नहीं सकते, तो हम बनाएंगे आज दाल चावल के पराठे। देखिए कैसे बनते हैं। सो ये जो रात के बचे हुए चावल थे ये वो ले लिए मैंने, दाल है जो मैं साइड में रख ली और कुछ सब्जियां मैंने काट के अभी इनमें मिलाऊंगी। ये मैंने एक छोटा टुकड़ा पत्ता गोभी का धो लिया है, एक छोटी सी गाजर, थोड़े से प्याज और दो तीन कलियां लहसुन की। अगर आपको पसंद हो ना तो आप इसमें हरी मिर्च जो है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं ये सारी सब्जियां ना चॉपर में बारीक चॉप कर लेती हूँ। सो ये मैंने अपनी जो सब्जियाँ हैं फाइनली चॉप कर ली है, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज और गार्लिक। हरी मिर्च इज ऑप्शनल, आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको धनिया पत्ती डालनी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये सारे कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से मसाले, थोड़ी सी हल्दी, वैसे तो दाल में हल्दी है ही, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक क्योंकि मुझे ये पसंद है, भुना जीरा थोड़ा सा, और अब हम इसमें लास्टली डालेंगे गरम मसाला। तो ये गया हल्का सा हमारा गरम मसाला। अब चाहे तो इसमें सूखा पुदीना जो हम सुखा के रखते हैं वो भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। अब दाल, पानी की जगह हम ऐड करेंगे इसमें दाल और इसको कर लेंगे हम बाइंड। मैंने इसमें आटा डालना भूल गई, पराठे कैसे बनेंगे? ओके, सो दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम विद मी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो ये हमारा आटा आटा थोड़ा कम है अभी, और आटा मिलाऊंगी मैं इसमें। सो अब ये देखिए मैंने एक बढ़िया सा आटा लगा लिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये नॉर्मल आटा जो हम लगाते हैं और बोलते हैं रेस्टिंग टाइम, इसे रेस्टिंग टाइम नहीं देना। सब्जियां जो है ना अपना पानी छोड़ देगी, फिर आपके लिए बेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये देखिए कुछ ऐसे मैं पेड़े बना लेती हूँ। ये रोटी पतली नहीं बनेगी, ना ही बहुत ज़्यादा, बस मीडियम साइज के हम पराठे बनाएंगे, बहुत पतले नहीं बहुत मोटे नहीं। ये मैंने पलेथन लगा के इसको कर लेती हूँ बेलना शुरू। एजेस जो है ना इसके थोड़े फटे फटे हैं इसलिए, क्योंकि वे नॉट गिविंग रेस्टिंग टाइम, दैट्स ओके, इतना डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, इट्स एंड ऑफ द डे ऑन द टेस्ट। तो ये देखिए इधर मेरा तवा हो रहा है गरम, हल्का से मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ क्योंकि मेरा कास्ट आयरन तवा है, गरम हो चुका है। मैं डाल देती हूँ अपना पराठा। सो जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं दोनों तरफ से पहले सेकेंगे और फिर तेल डाल के या घी डाल के दोनों तरफ से कुरकुरा जो है या हल्का सा क्रिस्पी जो है हम बना लेंगे। ये देखिए एक और बेल के दिखाते हुए मैं आपको, बहुत पतली मत कीजिएगा वरना ये खाखरे के जैसे हो जाएगी, बहुत मोटी मत रखिएगा वो भी अच्छे नहीं लगते, एकदम मीडियम साइज। सही देखिए ये हो गए हमारे पराठे। सो ये देखिए इसकी थिकनेस जो है, ये वेट करते हैं जब ये एक तरफ से सिक जाए। सो मैंने ये बिल दोनों तरफ से हल्की हल्की सेक लिया है और जैसे पराठे सेकते हैं ठीक उसी तरीके से घी तेल, अब वो आपकी चॉइस है क्या आप यूज़ करना चाहते हो, बट वेल ऑब्वियसली घी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे ना हल्के ब्राउन ब्राउन निशान, तो आपको ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कम तेल में ही ये बहुत अच्छे से सिक जाएंगे, क्रिस्पी भी बन जाएंगे।
इसको रख देती हूँ मैं इस तरफ ताकि ये सिकता रहे, इसमें मैं अपना दूसरा पराठा भी रख देती हूँ। बड़ा तवा होने का ना यही मज़ा है कि दो एक टाइम पे दो बन सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से मैं ये भी सेक लेती हूँ। सो पराठा दोनों तरफ से सेक लिया है, तेल लगा के अब मैं दोनों तरफ से फिर सेक रही हूँ। और फिर हम इन्हें किसके साथ सर्व कर सकते हैं? अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सुबह सुबह नाश्ते में। सो ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट है, मैंने ये अपनी मदर इन लॉ के घर आके देख के सीखा था, वो लोग ये काफ़ी बनाते हैं। और आज मेरे हस्बैंड की फेवरेट बन रही है बहुत टाइम बाद। तो ये देखिए कुछ इस तरह बन जाएंगे हमारे पराठे, दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, जो भी चीज़ पसंद हो उसके साथ सर्व करें और बनाएं। तो मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे। बाय बाय।